Hello students, today we will continue the chapter this. Now we will start the Council of Minister. Council of Minister मतलब जो ministers की जो परिषद होती है वो कैसे बनती है और कौन कौन होते हैं. There are three categories in the Council of Ministers: Cabinet Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers. यानी कि Cabinet Ministers होते हैं, Ministers of State and Deputy Ministers ये होते हैं. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये तीनों तरह के मिनिस्टर जो है ये सभी जो है एक साथ जो है रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, राज्य की विधानसभा के लिए. और देखो इसमें ध्यान रखना, इफ़ अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास बाय द असेंबली अगेंस्ट एनी मिनिस्टर द एंटायर मिनिस्ट्री हैज़ टू रिज़ाइन. अगर किसी एक मिनिस्टर के अगेंस्ट भी जो है अविश्वास मत पारित हो जाए कि इसके प्रति विश्वास नहीं रहा, जो इसने कानून या जो अपना अध्यादेश जो भी ये बोल रहा है वो सही नहीं है, ये साबित हो जाता है तो फिर पूरे की पूरी मिनिस्ट्री को क्या देना होता है, रिज़ाइन देना होता है, इस्तीफा देना होता है. देन पावर एंड फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है जो रियल में एग्जीक्यूटिव है, जो कार्य करती है, कार्यपालिका है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है. ईच डिपार्टमेंट इन द स्टेट गवर्नमेंट इज हेडेड बाय अ कैबिनेट मिनिस्टर. यानी कि हर एक जो डिपार्टमेंट का, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि होम मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है और डिफेंस मिनिस्ट्री है, हर मिनिस्ट्री का एक जो है हेड होता है, जो कौन होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होता है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है उस डिपार्टमेंट को अच्छे से रन करने के लिए, अच्छे से उसको चलाने के लिए. इट फॉर्मुलेट एंड डिसाइड्स द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट एंड इम्प्लीमेंट देम इफेक्टली. यानी कि जो है वो अपने जो है उससे रिलेटेड जो है अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड कौन जो मिनिस्टर होता है, सभी अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्या बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं और उसको जो है क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल इन द स्टेट. यानी कि जो है राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की और राज्य के लोगों की सुरक्षा, प्रॉपर्टी की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी होती है, स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होती है. ऑल द मेजर्स अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट्स आर मेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट. जितनी भी मुखिया जो है नियुक्तियां होती हैं वो गवर्नर करता है, परंतु वो किसकी एडवाइस पे करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे करता है. मेजॉरिटी ऑफ द बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेचर बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अधिकतर बिल जो है विधानसभा के अंदर वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो भी हम बिल लेकर आएंगे वो आसानी से पास हो जाएगा, हमारी मेजोरिटी है. क्योंकि कोई भी बिल को जो है पास करने के लिए, उसे कानून बनाने से पहले पास करना होता है, वो मेजोरिटी से पास करना होता है. मेजोरिटी जिस गवर्नमेंट की हो, जिस पार्टी की होगी, वो पार्टी आसानी से जो है वो बिल को पास करा लेगी. इट प्रिपेयर द बजट एंड डिसाइड्स द फाइनेंशियल पॉलिसी एंड टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट. ये स्टेट के लिए जो बजट बनाती है, वित्तीय नीतियाँ बनाती है और कहाँ कहाँ पे कितना कितना टैक्स लगाना है वो बनाती है. अब हमारे पास क्या है, नेशन स्टेट रिलेशन. अब नेशन यानी कि जो एंटायर गवर्नमेंट, एंटायर कंट्री के लिए, होल कंट्री के लिए काम करती है, वो कौन सी गवर्नमेंट होती है, सेंटर गवर्नमेंट होती है. और जो स्टेट के लिए काम करती है, जो अभी हमने पढ़ा कि चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो स्टेट के लिए काम करते हैं. अब इन दोनों सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कैसा जो है रिलेशन है, हालांकि जो है ज़्यादा पावर किसके पास है, सेंटर गवर्नमेंट के पास है. मेंबर्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़्यादा होते हैं, पावर्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा होती है. द स्टेट, अब स्टेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है वित्तीय सहायता के लिए जो है वो किसके है, किससे हेल्प लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प लेते हैं. और यूनियन टेरेटरीज, इंडिया हैज़ 9 यूनियन टेरेटरीज, बट अब जो है एट प्रेजेंट जो है 8 यूनियन टेरेटरीज हैं
दादरा एंड दमन जो है नगर हवेली, ये क्या हो चुकी है, इमर्ज हो चुकी है। ये किसके द्वारा जो है गवर्न किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। किसकी हेल्प से वहाँ पे क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ कमिश्नर होता है या चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है, कौन होता है वहाँ पे, जो यूनियन टेरिटरीज में प्रेसिडेंट के द्वारा जो है शासित किए जाते हैं। किसकी हेल्प से, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ कमिश्नर या फिर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा जो है। यूनियन टेरिटरीज लाइक पौंडेचेरी, दिल्ली है वो लेजिस्लेटिव असेंबली, पौंडेचेरी और दिल्ली की जो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है और इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है। अब इसमें, अब इंडिया का पॉलिटिकल मैप ये गिवन है, इसको आपने अच्छे से मैप को देखना है और अब आपने मैप के में लेकर सभी जो है स्टेट्स और कैपिटल्स को फिल करना है और यूनियन टेरिटरीज को। द डिसीजंस टेकन, डू यू नो मी, जब देखो बॉक्स में द डिसीजंस टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर्स एंड द अदर मिनिस्टर्स आर डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, उनके ऊपर डिबेट होता है, बहुत ज़्यादा बहस होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में। क्यों होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, सभी को जो है सभी के डिसीजन, सभी के जो है मत लेके चलने हैं। द गवर्नमेंट डिसीजन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पीपल, यानी कि जो है वो लोगों के द्वारा अप्रूव होना चाहिए। अब सभी लोग तो एक साथ क्या है विधानसभा की एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले सकते, लेकिन जो लोगों के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके द्वारा जो है वो डिसीजन जो है वो मत जो है क्या होना चाहिए, अप्रूव और डिसअप्रूव होना चाहिए। तभी जो है इसके लिए जो है जो भी डिसीजन होता है वो डिबेट के लिए रखा जाता है, ताकि डिबेट के बाद जो है वो जो है पास हो पाए। तो बच्चे आपने ये चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर को अच्छे से समझना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।